प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। की करे छे दीदी? ए डैडी बनवरी आवन बैठन। हां दीदी, अभी कौन कौन खेती लगी लिए यहां? अभी जे छे लगने रिए बंधार रहे, गोभी रहे, लहसुन। 5-6 सप्ताह जे छे हमरा प्याज के बिचरा के भाग ले या। और बिचरा तैयार भेल छे, काले हम लगवे के लिए जा रहल छिए। दीदी यहां तो धनिया, लहसुन, भिंडी, गोभी लगे लिए या। एन खेती में कौन बदलाव के लिए या? भैया सालों साल तो हम खेती कर हर सीजन में करते छिए। खेती करे के तरीका में एक एगो चीज अपने लिए या कि बीज से बीज के दूरी और लाइन से लाइन के दूरी पर रोपना छे। लाइन से लाइन और बीज से बीज की दूरी से लगवे में कोनो फायदा छे कि दीदी? भैया खेत बुने से पहले जे छे खेत के तैयार होना जरूरी छे। आप जे छे भैया बीज से बीज के दूरी और लाइन से लाइन के दूरी जे अलग रोपबे, ओय में उपज अच्छा हेते और कमबे भी आसान है छे। दूरी पर बीज लगवे से सूरज के प्रकाश और हवा पूरा में जे छे बढ़िया तरह से लागे छे और पत्ता जे छे आपस में दोनों भी पौधा के नै सटे छे। हां जे दीदी जानकारी देलिए या, ई जानकारी जे छे किसान दीदी लग और भैया लग सही सही जानकारी पहुंचना चाहे। अच्छा दीदी, अहाँ प्याज जे लगवेल जा रहल छे तो ओय में कौन कौन सामान लागे छे से दीदी बता दिया? कौन कौन सामान लागे छे ओय में और कना रोपल जाय छे सब बता देब। प्रणाम दीदी। प्रणाम। अहाँ के घर पर गेलिए रे दीदी, पता चललै जे अहाँ प्याज रोपे ले खेत में एलिए या, तो हमहूँ खेते तरफ चल एलिए। भैया प्याज के रोपाई खातिर खेत के उपचार करना बहुत जरूरी छे, ओय खातिर जे छे हम कुछ कुछ सामान अभी मंगेलिए या। भैया आधा कट्ठा जे में प्याज लगेबे ओय में जे खेत तैयारी पूरा करे के लिए 20 किलो वर्मी कम्पोस्ट जे मंगेलिए ओय में से 10 किलो जे छे से हम आधा कट्ठा में 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 10 किलो वर्मी कम्पोस्ट मिलाकर रोपे से 2 दिन पहले जे छे जमीन खेत में हमरा डालना छे। अच्छा दीदी, ताकि जमीन के उपचार बढ़िया हुआ, 2 दिन के बाद हम प्याज रोपबे। हाँ देखो भैया, आप जे छे ई आधा एमे से वर्मी कम्पोस्ट एमे डाल रहल छिए। ठीक है, आप जे छे देखो भैया, आप जे छे ई 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा एमे डाले छिए। अच्छा दीदी, 5 ग्राम डाले छिए, 10 किलो वर्मी कम्पोस्ट में 5 ग्राम टैकोडर में डाल जाए छे दीदी? हाँ। अच्छा इना, अच्छा दीदी एकरा मिलाना जरूरी छे कि? एकरा पूरा तरह से जे छे मिला देना छे। अच्छा दीदी, तो हमहू लाग दे छी मिलवे में। देखो भैया, आप जे छे एकरा आधा कट्ठा खेत में एकरा छीट देबे। आप जे छे उ खाद जे छे खेत में छीट के जमीन मिला के बराबर करके ओकर 2 दिन के बाद जे छे हमरा प्याज रोपाई करना छे। भैया एगो बात और ध्यान में रखना छे, अगर खेत में नमी नहीं रहे से तो खेत के उपचार करे से पहले ओकरा एक पटवन दे कर देना छे। भैया नर्सरी बेड से बीज निकालै के पहले सबसे पहले ई ध्यान देना छे से हमर बिचरा के बीज एकोटा नै टूटै। भैया आप जे छे हम नर्सरी बेड से बिचरा सही तरीका से निकालै के बताबै छी। देखो भैया ई बिचरा जे छे से 5-6 सप्ताह के छे और 3 पत्ता भए गेल छे। आप जे छे हम एकरा हल्का पानी के छिड़काव करके बिचरा निकाल लेबै जे ताकि आसानी से हम निकाल लेबै। आब जे भैया छे ई पूरा नर्सरी में एहना जे छे पानी हम छिड़काव कर देबे ताकि जड़ हल्का भए जेते। भैया एहना जे छे खुरपी के गहराई तक ले जा के से ओकरा बिचरा के निकालना छे ताकि ओकर जड़ नहीं टूटे। देखो
भैया ई जे छे बिचरा के ई सीर जे छे यह जड़ जे छे नाजुक और कमजोर होय छे अगर एकरा पानी छिड़काव से नहीं निकालै छिए और तब ओकर जड़ टूट जाय छे। दीदी ई नर्सरी बेर से जे बिचरा निकालै के तरीका बतेलिए कि जड़ नहीं टूटना चाहिए ई बहुत अच्छा लागले। प्याज के रोपय के समय में जे छे हमरा कुछ सामान के जरूरी पड़े छे ओय में जे छे मार्कर दूगो के जरूरी पड़े छे एमे जे छे बीज के से बीज के दूरी और ई दोसर मार्कर छे एमे लाइन से लाइन के दूरी ई दूगो मार्कर जे छे एमे जे दुनू में ई चिन्ह लगेने छे ई 10 सेंटीमीटर छे। ठीक छे दीदी एमे जे छे ओकर बाद इहो कील के हमरा जरूरत पड़े छे ओमे जैसे कि हम बिचरा के रोप एकर रोपाई करबे और ई बर्मी कंपोस्ट जे छे ई एकरा जे छे प्याज रोपे के बाद से एकरा पूरा खेत में छीट देना छे। भैया ई प्याज के बिचरा छिए एकरा उखारे के बाद जे छे 2 घंटा के अंदर ये लगा लेने छे। भैया या तो सुबह में बिचरा के रोपाई करना छे या नहीं तो शाम में। चलो भैया आप जे छे आप केना रोपाई करबे से बतेबे। ठीक छे दीदी चलो। देखो भैया ई जे छे एगो कोन पर हम ई किल्ला गाड़े छिए और ई दोसर किल्ला जे छे ओ कोना पर तू गाड़ो। देखो भैया ई जे एगो ई खुट्टा गाड़ लिए या ऐ में जे छे ई पौधा से पौधा के दूरी भेले और दोसर किल्ला हम ऐ में गाड़ रहल छिए ई कि लाइन से लाइन के दूरी ई लै जा भैया ई ओ कोना पर गाड़ दा। देखो भैया ई डोरी तो हम ए साइड लगा देने छिए ओहो साइड जे छे सेम वही तरह जे छे मेंटेन करना छे। अच्छा दीदी एही तरह से ओहो साइड मेंटेन करना छे। हाँ ठीक छे दीदी। देखो भैया बिचरा रोपे छिए एकर ध्यान रहे कि 1 से 1.5 इंच अंदर जाए। ठीक छे दीदी एकरा हम ध्यान में राखबे 1 से 1.5 इंच से फाजिल नहीं जाना चाहिए अंदर। देखो भैया अब दोसरका लाइन जे छे रोपे खातिर ई दोसर मार्कर में जे 10 सेंटीमीटर छे। देखो भैया अब हम तीसरका लाइन जे छे रोपे ले जाय छी। प्याज रोपल भए गेलै एहिमे जे छै आब ऊपर से बर्मी कम्पोस्ट छिड़क देबै। और जे छै ओकर बाद एगो पटवन कए देबै अगर कम जगह मे लगेने छियै तऽ ओहिमे बाल्टी से ही पानी छिड़क देबै और ज्यादा मे छै तऽ जे ओहि बोरिंग के सहायता से ओहिमे पटवन करि देबै। ठीक छै दीदी। भैया हरेक 10 दिन में एकर पटवन करना जरूरी छे ताकि जमीन में नमी बनल रहे। अच्छा दीदी और की सब करना जरूरी छे? हर पटवन के बाद जे छे 2 से 3 दिन के अंदर ओकरा कमौनी कर लेना छे। हरेक 12 लाइन पर गेंदा के पौधा लगा देना छे जे कि ओमे जे भी कीड़ा पलते उ गेंदा के फूल पर जाकर ही बैठते ओकरा प्याज के नुकसान नहीं पहुँचेते।
दीदी ई सब जे जानकारी देलिए या बतेलिए या ई बहुत जरूरी रहे जानना है। प्याज के रोपाई करे में भैया चार गो मुख बिंदु अपने ने जरूरी छे भैया। पहला मुख बिंदु छे कि प्याज के बिचरा 5 से 6 सप्ताह के होना चाहिए। दूसरा मुख बिंदु छे भैया से लाइन के दूरी और बीज से बीज के दूरी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तीसरा मुख बिंदु छे भैया से 1 से 1.5 इंची जमीन के अंदर ओकर जड़ जाना चाहिए। चौथा मुख बिंदु छे भैया से रोपाई के तुरंत बाद बर्मी कंपोस्ट के छिड़काव कै देने छे और सिंचाई कै देने छे। दीदी यहाँ प्याज के खेती के बारे में जे एतेक चीज बतेलिए ओके लिए अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद।